हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, यानी कि एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ साथ में बनाते भी जाना। बहुत सारे डायग्राम जिसमें हम बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की आज की क्लास, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी या एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात आती है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हम इसको क्यों कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, किसी भी एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी हम देखते हैं किसके लिए, किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए। कोई सा भी पेशेंट है, जैसे उस पेशेंट के अंदर कोई से भी उसको बीमारी है जो कि किसी बैक्टीरिया के कारण हो रही है, या तो हम उसको आइसोलेट करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम कल्चर मेथड करते हैं, कल्चर मेथड करेंगे और हम उस बैक्टीरिया को देखेंगे कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में तो बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, फिर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन सा है, उस बैक्टीरिया को, पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करके रखेंगे। अब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सी एंटीबायोटिक इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकती है। तो फिर हम उसके लिए ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, यानी कि किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी देखते हैं कि ये इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कितना ज्यादा रोक पा रही है। जितना ज्यादा रोक पा रही होगी मतलब कि वो उतनी ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये वाली एंटीबायोटिक हम इस पेशेंट के, इस बैक्टीरिया के लिए दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर जो एंटीबायोटिक देते हैं ना, वो कि कौन सी ज्यादा सेंसिटिव होगी उस प्रकार से देते हैं। तो उसके लिए ये टेस्ट होता है। आप कैसे करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, प्रोसीजर क्या होती है, ये सभी आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है। तो द इन विट्रो टेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर विथ एंटीबायोटिक टू डिटरमाइन द ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें तीन वर्ड आते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, आगे मैं आपको बताऊंगी जो हम रिजल्ट में देखते हैं। एक तो आता है सेंसिटिव, और एक आता है इंटरमीडिएट, और एक आता है रेजिस्टेंस। सेंसिटिव का मतलब होता है कि वो जो एंटीबायोटिक है इस बैक्टीरिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। इंटरमीडिएट की मतलब कि ये बीच में, मतलब कि थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। इंटरमीडिएट वाले भी हम दे सकते हैं थोड़ी सी हाई डोज में। जो रेजिस्टेंस आता है मतलब कि ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं रोक पा रही है, मतलब कि ये एंटीबायोटिक हम सजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये तीन वर्ड जो है वो कॉमन आएंगे जो भी आगे आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है कि एएसटी परफॉर्म्ड ओनली फॉर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये केवल किसके लिए हम करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए करते हैं, जो कॉमन सेल्स बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए नहीं। यानी कि कॉमन सेल्स मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और पैथोजेनिक मतलब कि वो अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो हमें, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बैक्टीरिया कहाँ थे हम, एएसटी इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन से जो आइसोलेट किया गया है, और कॉमन सेल्स बैक्टीरिया के लिए नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे इकोलाई अगर यूरिन में है, यूरिन से हमने सैंपल कलेक्ट किया है इकोलाई को, तो उसके लिए हम एएसटी परफॉर्म करेंगे। अगर हमने इकोलाई को स्टूल से निकाला है, स्टूल स्पेसिमेन से निकाला है, तो हम फिर उसके लिए एएसटी परफॉर्म नहीं करें। समझ में आया, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है, प्रोसीजर क्या होती है, लेकिन उससे पहले के स्टेप्स क्या आती है आपको याद रखना है कि एएसटी परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना है। पेशेंट का सैंपल लेंगे, कल्चर मेथड करेंगे, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम देखेंगे, फिर हम उसमें से प्योर आइसोलेट करेंगे, यानी कि प्योर जो बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी देखनी है उसको हम आइसोलेट करके रख लेंगे। अब हमारे पास कॉलोनी फॉर्म हो गई है और हमारे पास प्योर कल्चर की प्लेट पड़ी है। अब इस प्लेट का काम हमारा थोड़ी देर बाद आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं कि एएसटी जो होता है वो मेनली तीन टाइप का होता है, डिफ्यूजन टेस्ट, डायल्यूशन टेस्ट और एब्सोल्यूटर टेस्ट। ये एएसटी के अंदर जो टेस्ट आते हैं इनको आप अच्छे से याद कर लो कि ये तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स के अंदर कितने टाइप्स आते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि डिफ्यूजन टेस्ट के अंदर आता है आपका कर्बी बोर्ड डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, और एक आता है स्टोक्स डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, स्टोक डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। डायल्यूशन टेस्ट के अंदर आता है ब्रोथ डायल्यूशन और अगार डायल्यूशन।
और एक होता है एब्सोल्यूमीटर टेस्ट। तो आज की क्लास में हम डिफ्यूजन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बी बोर्ड डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट और स्टोक डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिफ्यूजन टेस्ट से, कि डिफ्यूजन टेस्ट क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्लेट बताती हूँ कि आखिरी में एंड में जाकर कैसा बनेगा, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं डिफ्यूजन टेस्ट के अंदर। चलो पहले डिफ्यूजन टेस्ट बता देती हूँ, फिर ये प्लेट हम देखेंगे कि डिफ्यूजन टेस्ट क्या होता है। डिफ्यूजन मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि हम एक सोलिड मीडिया लेते हैं, सोलिड मीडिया जिसमें हम इनोकुलम करके रखते हैं, इनोकुलम से हम उसको लॉन कल्चर कर लेते हैं, सॉलिड मीडिया लिया, लॉन कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद में हम उस पर डिस्क अप्लाई करते हैं, सॉलिड मीडिया में डिस्क अप्लाई करते हैं, वहां पर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होगा तो वहां पर क्या होगा, उसकी हम सेंसिटिविटी देखेंगे कि कितना सेंसिटिव है एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया को वो कितना उसकी कितना इनहिबिट कर पा रहा है, कितना जोन क्रिएट हो रहा है, वो लास्ट में फिर हम उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपका डिफ्यूजन टेस्ट के अंदर आता है। तो जैसे मैं आपको ये प्लेट बता रही थी कि ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिख रही है ना, ये क्या है, एंटीबायोटिक डिस्क। ये आपकी प्लेट है, इसमें एमएचए अगार है, इस अगार में हम इनोकुलम करते हैं, इनोकुलम करने के बाद में हम डिस्क अप्लाई करते हैं। डिस्क अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो गोला बना हुआ दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं जोन, जोन ऑफ इनहिबिशन। तो यानी कि जितना बड़ा जोन बनेगा, जितना ज्यादा जोन क्रिएट होगा, मतलब कि वो एंटीबायोटिक जो है किसी भी क्या उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ज्यादा किल कर रही है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ को है वो रोक पा रही है ज्यादा, मतलब कि ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कम जोन क्रिएट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई जोन क्रिएट नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब कि ये एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया के लिए काम नहीं कर रही है। क्लियर है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो डिफ्यूजन टेस्ट में पहला आता है हमारा कर्बी बोर्ड डीडी टेस्ट। क्या आता है, कर्बी बोर्ड डीडी टेस्ट। कर्बी बोर्ड डीडी टेस्ट जो होते हैं ना, हम केवल उन बैक्टीरिया के लिए करते हैं जो कि फास्ट ग्रोविंग होते हैं। ओनली किसके लिए, ओनली फॉर फास्ट ग्रोविंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ओनली फॉर फास्ट ग्रोविंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए होती है। तो इसमें क्या होता है, हेयर द एंटीबायोटिक अलाउड टू डिफ्यूज, सोलिड मीडिया में डिफ्यूज करते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है जहां हमने एप्लीकेशन किया है, और एंटीबायोटिक डिस्क का जहां पर एप्लीकेशन किया है और जहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी कि दूर की तरफ जो है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जहां पर हमने डिस्क अप्लाई करी है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लियर है, तो ये आपकी कार्बी बोर्ड डीडी का मतलब है डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस प्रोसीजर में। सबसे पहले आपका आता है मीडियम, कौन सा मीडियम हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। एग्जाम में पूछा जाए कि एसटी में कर्बी बोर्ड मेथड के लिए कौन सा मीडिया यूज करते हैं, तो मोलर हिंटन अगार, AMHA शॉर्ट में इसको हम कहते हैं। न्यूट्रिएंट अगार भी यूज करते हैं, इसका सब्सटीट्यूट है, लेकिन इसको भी यूज नहीं किया जाता है, जनरली नहीं यूज किया जाता, एमएचए ही किया जाता है, क्योंकि ये 100% सेफ नहीं है। ओके, उसके बाद अगला आता है आपका मेकफार्लिन ओपेसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ट्यूब। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ट्यूब का यूज हम करते हैं कि हम जब इनोकुलम बनाते हैं तो उस इनोकुलम की टर्बिडिटी जो है वह हम इस ट्यूब से मैच करते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1.5×10⁸ CFU पर ml, कॉलोनी फॉर्मिंग पर यूनिट के बराबर होता है। मतलब कि हम जो इनोकुलम बनाएंगे वो कितना बनेगा, इतना बनेगा, हम जो इनोकुलम बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी, इतनी होगी, क्योंकि ये जो बना हुआ है मेकफार्लिन ओपेसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ट्यूब जो है वो इतना बना हुआ है, ये तो इसके बराबर होगी, तो इस ट्यूब से हम इसको मैच करते हैं। अब अगला आता है हमारा एंटीबायोटिक डिस्क। ये एंटीबायोटिक डिस्क हम 6 mm की यूज करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए अलग होती है, ग्राम नेगेटिव के लिए अलग अलग होती है, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, कमर्शियली अवेलेबल भी होती है मार्केट में, और हम इसको लेबोरेटरी में बनाते भी हैं। अगला आता है आपका नॉर्मल सलाइन एंड पेप्टन वाटर। नॉर्मल सलाइन एंड पेप्टन वाटर का यूज क्या होता है, अभी आगे मैं जस्ट आपको बताने ही वाली हूँ कि इससे हम इनोकुलम बनाते हैं, यही बता दिया, इससे हम क्या करते हैं, इनोकुलम बनाते हैं। अब आती है आपकी प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप कुछ नहीं, बस इन 5 स्टेप्स को याद कर लो, आपकी पूरी प्रोसीजर हो जाएगी। पहले आपको इनोकुलम बनाना है,
टर्बिडिटी, लॉन कल्चर, एंटीबायोटिक डिस्क और इंक्यूबेशन। बस उसके बाद में हम ऑब्जर्व कर लेंगे, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। इंक्यूबेशन के बाद में आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो ये आपके स्टेप्स होती है, इन स्टेप्स से हम प्रोसीजर पूरी करेंगे। देखो यहाँ पर देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे, आपकी प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है, बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ में आप बनाते जाएं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये आपकी क्या हिल रहा है, चलो है ना, तो ये हो गया आपकी, एक ट्यूब ली आपने। एक ट्यूब पे आपको लेना है 5 ml तो नॉर्मल सलाइन। 5 ml क्या लेना है, नॉर्मल सलाइन। पेप्टोन वाटर भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि या तो नॉर्मल सलाइन या पेप्टोन वाटर, दोनों से किसी से भी बना सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी स्टेप्स है, आप इसमें क्या कर रहे हो, इनोकुलम बना रहे हो। तो ये आपकी पहली स्टेप्स हो गई, कौन से स्टेप्स है, पहली स्टेप्स जहां पर आप इनोकुलम बना रहे हो। 5 ml आपने इसमें नॉर्मल सलाइन लिया, उसके बाद में आपने एक जो प्लेट बना के रखी थी, मैंने आपको बताया था ना कि इस प्लेट का हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, तो ये वो प्लेट है प्योर कल्चर की, जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी देखनी है। इसमें हमें उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा के रखा है, यानी कि यहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है। तो हम नाइक्रोम वायर लूप की हेल्प से इस कॉलोनी को उठाएंगे और इस नाइक्रोम वायर लूप की हेल्प से इसमें हम मिक्स करेंगे, इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से शेक करना है। तो 5 ml नॉर्मल सलाइन के साथ हम मिक्स करेंगे, मिक्स वेल, ठीक है। और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर इनोकुलम बन जाएगा। मिक्स कर लिया कॉलोनी को, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है, क्या आएगी, सेकेंड स्टेप आपकी आएगी टर्बिडिटी। क्या आएगी, टर्बिडिटी, यानी कि टर्बिडिटी किससे, यानी कि आपके पास में एक ट्यूबोर है, एक ट्यूबोर है जिसमें आपका क्या है 0.5 mEq/L। ये भी आपको याद रखना है कि कितना, 0.5 mEq/L स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऑपेसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ट्यूब। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमने जो इनोकुलम बनाया है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि एक व्हाइट बैकग्राउंड जो है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर हमारे है व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप जहां पर भी कंपेयर करो वहां पर आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये हमने दोनों ट्यूब ले लिए, एक में हमारा है इनोकुलम और एक में है हमारा मेक्फॉर्लिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, दोनों को आप मैच करोगे, क्या करोगे, दोनों को मैच करोगे, ये दोनों मैच करेंगे आप, ये आपका दोनों में इसमें ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों को आप मैच करेंगे और देखेंगे कि दोनों की टर्बिडिटी जो है वो सेम है या नहीं। तो ये जो मेक्फॉर्लिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो किसके बराबर है, मैंने अभी आपको बताया 1.5 × 10⁸ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml। मतलब कि आपका ये जो इनोकुलम बना है वो इतना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए, इतनी उसकी टर्बिडिटी होगी, यानी कि आपका जो इनोकुलम बन रहा है वो इतना बनेगा, इतना यूं समझे हम इसको। तो ये इसकी टर्बिडिटी इन दोनों की हम मैच करते हैं कि क्या ये जो हमने इनोकुलम बनाया है इससे ये मेक्फॉर्लिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा डाइल्यूट लग रहा है तो हम उसमें थोड़ी सी और कॉलोनी मिक्स करेंगे, अगर आपको ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो हम उसमें थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, लेकिन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो हमने टर्बिडिटी यहाँ पर मैच कर ली, यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया। अब जो तीसरी स्टेप आती है आपकी, तीसरी स्टेप आती है आपकी लॉन कल्चर की। किसकी, लॉन कल्चर। लॉन कल्चर कैसे करते हैं ये मैंने आपको कल्चर मेथड में भी बताया था। ये आपकी आती है लॉन कल्चर की अगले स्टेप्स। तो लॉन कल्चर में आपको क्या करना है, लॉन कल्चर में आपको करना है सबसे पहले एक प्लेट लेनी है, ये प्लेट लेनी है। आपने पेट्री डिश लिया, इसमें हम क्या पोर करेंगे, कौन सा मीडिया पोर करेंगे, MHA, मॉलर हिंटन अगार। ये प्लेट जो होती है वो 100 ml की भी होती है और 60 ml की भी होती है। तो हम यहाँ पर 100 ml की प्लेट यूज कर रहे हैं, इतना आपको क्लियर है। मॉलर हिंटन अगार सॉलिड मीडिया इसमें पोर किया हुआ है, 100 ml की प्लेट है। अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमारे जो इनोकुलम हमने बनाया है उसकी। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया, जो इनोकुलम हमने बनाया था ये फाइनल इनोकुलम जो कि मैच करने के बाद में बना। तो इस इनोकुलम को हम लेंगे स्वैब की हेल्प से, कॉटन स्वैब की हेल्प से हम इसको लेंगे और यहाँ पर लॉन कल्चर करेंगे, स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड आपको कैसे करना है, स्प्रेड आपको करना है कि लॉन कल्चर करना है तो हम इस तरीके से स्प्रेड करते हैं, ये इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। एक तरफ आपने स्प्रेड कर दिया, प्लेट को घुमाएंगे
रोटेट करने के बाद में हम फिर इस तरीके से इसको करेंगे। ये पता नहीं कैसे बन गया है पर आपको सही से बनाना है उसको, ठीक है। फिर प्लेट को घुमाना है, फिर इस तरीके से चारों तरीके से हमने लॉन कल्चर कर लेना है। ये चारों तरफ से हमें लॉन कल्चर जो है वो कर लेना है। ये पूरा इस तरीके से बनेगा आपका, चारों तरफ से आपने कर दिया। उसके बाद इसकी जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी, अरे यार क्या हो रहा है, ये जो आपकी पेरीफेरी है, पेरीफेरी मतलब कि इसका जो चारों एरिया है, स्वैब उठाना है, स्वैब, लेकिन ये जो स्वैब हम ले रहे हैं इसमें से उसको अच्छे से डिप करके लेना है, अच्छे से डिप करना है, अच्छे से घुमाना है, उसके बाद में इस पे यहाँ पर लॉन कल्चर आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने बीच में करने के बाद जो साइड वाला जो एरिया है यहाँ पर एक बार उस स्वैब को आप घुमा लोगे अच्छे से। पहले आपने बीच में कर लिया, फिर आपको साइड से किनारों किनारों से आपको उसको अच्छे से इस तरीके से स्वैब को रोटेट करना है। फाइनल कर लिया, अब उसके बाद में 5 मिनट का हम वेट करेंगे। क्या करेंगे, 5 मिनट का हम वेट करेंगे ताकि ये सेटल हो जाए। 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है, केवल 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट का वेट करने के बाद इसमें हम डिस्क अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, अगली जो स्टेप आती है हमारी आती है एंटीबायोटिक डिस्क। क्या आती है, एंटीबायोटिक डिस्क, में शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये डिस्क 6 mm की होती है, मार्केट में अवेलेबल भी होती है, हम बनाते भी है लेबोरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में। ओके, तो ये हो गई हमारी एंटीबायोटिक डिस्क। इस डिस्क को हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। हाथ से अप्लाई नहीं करना है, फोर्सेप से करना है, ठीक है। ज्यादा हाथ नहीं चलाना है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा फिर कि कंटामिनेशन होगा। तो फोर्सेप लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक सेंटर में, ये हो गई आपकी 7 डिस्क। 7 डिस्क हमने यहाँ पर अप्लाई करी, डिस्क लगा दी अच्छे से। उसके बाद में हमें रुकना है, वेट करेंगे हम कितने टाइम के लिए, 24 आवर। तो अगली स्टेप आपकी क्या आएगी, इंक्यूबेशन। क्या आएगी, इंक्यूबेशन। तो हम इंक्यूबेशन कर देते हैं इसका, इंक्यूबेशन हम करते हैं 24 आवर्स। तो राइटिंग नहीं जम रही, पता नहीं कैसी जल रही है। 24 आवर 37 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर के लिए हम रख देंगे इसको, इंक्यूबेट करेंगे, छोड़ देंगे। फिर हम 24 आवर के बाद में इसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो एक स्केल होती है, उस स्केल से हम इसको देखते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स बने हुए होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरमीडिएट का, एक होता है आपका सेंसिटिव का। वैसे तो उल्टा चल रही हूँ, पहले सेंसिटिव आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा। इस तरीके से बना हुआ होता है और उससे हम इसको मीजर करते हैं कि कितना जोन क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर आती है जोन की बात में कि कितनी ज्यादा वो सेंसिटिव है। देखो, अगर इतना जोन क्रिएट हो रहा है, मतलब कि हम देख रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ज्यादा इनहिबिट कर पा रही है, ज्यादा रोक पा रही है, यानी कि ये ज्यादा सेंसिटिव है इस बैक्टीरिया के लिए, हम इसको, इस पेशेंट को ये वाली डोज जो है वो एंटीबायोटिक का दे सकते हैं। क्लियर है, मैंने आपको बताया था ना कि 3 स्टेप्स होती है, सेंसिटिव, इंटरमीडिएट, आगे लिखी है वैसे मैंने, इंटरमीडिएट, और एक होती है रेजिस्टेंट। ओके, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा जोन बन रहा है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ज्यादा रोक पा रहा है। इंटरमीडिएट, जैसे कि हमने ये बना लिया कि ये रोक तो पा रहा है लेकिन उतनी नहीं रोक पा रहा है, बीच का है, यानी कि इंटरमीडिएट है, यानी कि हम दे सकते हैं लेकिन थोड़े से ज्यादा डोज में देना पड़ेगा। रेजिस्टेंट मतलब कि जैसे कि ये रेजिस्टेंस, मतलब कि ये इसकी ग्रोथ को रोक ही नहीं पा रहा है, ये इसको नहीं मार सकता इस बैक्टीरिया को, तो ये हम फिर नहीं सजेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर फिर ये रेजिस्टेंस जो होती है, जो एंटीबायोटिक, उसको नहीं दे सकते हैं। किसको देंगे, जो सेंसिटिव है उस बैक्टीरिया के लिए, उसको देंगे। तो इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि किस पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए कौन से एंटीबायोटिक जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर है, आई होप आपको ये इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारी पूरी मेथड होगी, बहुत ही ईजी तरीके से हमने सीख लिया। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टेप और बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अगार मीडिया लिया, उसको स्प्रेड किया ऑन पेट्री डिश, ठीक है, अगार मीडिया को पोर किया, फिर स्प्रेड किया इनोकुलम को, फिर हमने एंटीबायोटिक डिस्क अप्लाई करी। 3 एंटीबायोटिक हमने डाली है, जैसे एग्जांपल ए, बी और सी। ये बी फॉर ग्रोथ, जब ग्रोथ नहीं हुई बैक्टीरिया की, उससे पहले की प्रोसेसर है। 24 आवर के लिए हम इसको छोड़ देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के लिए। आफ्टर ग्रोथ
नो बैक्टीरिया ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिस्क अप्लाई करी है वो ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को यहाँ पर होने ही नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो जोन क्रिएट हो रहा है हम देख रहे हैं, यानी कि जोन ऑफ इनहिबिशन, इसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन। और यहाँ पर देख रहे हो साइड में ये बैक्टीरियल की ग्रोथ हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्क अप्लाई नहीं है। अब देखो ये जो है आपके इस वाले जोन से कम है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट। क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट। और इसको हम क्या कहेंगे, सेंसिटिव है, इसको हम कहेंगे सेंसिटिव। और ये वाली जो है ये आपकी क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं कि रेजिस्टेंस है। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार इस इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। Susceptibility to the drug is determined by the zone of inhibition of bacterial growth around the disc, यानी कि disc के around में zone of inhibition जो है वो कितना हुआ है उसको हम determine करते हैं, which can be measured by using vernier caliper। ये क्या है, scale है जो मैंने आपको बताई है, उस scale से हम measure करते हैं। तीन चीजें देखते हैं, एक तो sensitive, एक intermediate और एक हम देखते हैं resistance। Clear? अब वही प्रोसीजर सेम चलेगी आपकी, इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दोगे। 5 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हम इसमें डिस्क अप्लाई करेंगे फोर्सेप की हेल्प से। तो यहाँ पर कितनी डिस्क आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6 डिस्क हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितनी, 6 डिस्क, उसमें हमने 7 डिस्क अप्लाई करी थी। और ये डिस्क हम दोनों के बीच में, यानी कि कंट्रोल और टेस्ट दोनों के बीच की जो लाइन है वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे फोर्सेप्स की हेल्प से। उसके बाद इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन सेम वही जो उसमें है, 24 आवर के लिए हम इसको छोड़ देंगे, 24 आवर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे बाद में, आफ्टर 24 आवर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जोन क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो जोन है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने उसमें पहले आपको बताया था लाइन बना के, ओ सॉरी सारे ही हट गया, चलो उसी तरीके से बताना पड़ेगा, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक के सेंसिटिविटी कैसे देखेंगे, यहाँ पर 24 आवर के बाद में जोन क्रिएट होता है तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि एक तरफ जो है वो इतना है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल है, एक तरफ आपका इधर ज्यादा होगा और एक तरफ इधर कम होगा। ठीक है, एक तरफ जो है ऐसा होगा कि दोनों तरफ जो है वो कम होगा, इस तरीके से भी होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं ये अलग अलग तरीके से है, सब तरीके से मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताऊंगी। तो ऑब्जर्व हम क्या क्या करते हैं, एक तो हम इसका देखते हैं सेंसिटिव, और एक हम देखते हैं इंटरमीडिएट, और एक हम देखते हैं रेजिस्टेंस। सेंसिटिव में हम देखते हैं कि जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, कि या तो जो ये जोन ऑफ इनहिबिशन जो है वो क्रिएट हुआ है, जोन ऑफ इनहिबिशन जो बना है यहाँ पर, या तो ये जो हमारे टेस्ट स्टेन्स है इसमें और कंट्रोल स्टेन में दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल है, और कितना है, 4 mm का है, और दोनों में क्या है, इक्वल है। कंट्रोल स्टेन एंड टेस्ट स्टेन दोनों में इक्वल अगर जोन बना है मतलब कि वो क्या है, सेंसिटिव है। दूसरा है आपका कि अगर वो टेस्ट स्टेन की तरफ ज्यादा है और कंट्रोल की तरफ कम है, टेस्ट स्टेन की तरफ ज्यादा है मतलब कि बैक्टीरिया को इनहिबिट जो है वो ज्यादा कर पा रहा है, ज्यादा उसकी ग्रोथ को रोक पा रहा है, मतलब कि वो क्या है, सेंसिटिव है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सेंसिटिव है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ की तरफ जो है क्या है, बैक्टीरियल की ग्रोथ को इनहिबिट कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा सॉरी, यानी कि ज्यादा रोक पा रहा है। ठीक है, तो ये मोर देन का है, तो अगर ऐसा हुआ तो भी हम उसको सेंसिटिव कहेंगे। और अगर इस तरीके से हुआ मतलब कि जोन जो है वहां पर बना लेकिन थोड़ा कम बना, तो उसको हम कह देंगे इंटरमीडिएट। तो वो कितना होना चाहिए, 3 mm तो होना ही चाहिए। ये वाला जो आपका बन रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा कि उल्टा बना दिया मैंने, ये कंट्रोल स्टेन की तरफ इस तरीके से अगर बन रहा है, ये इस तरीके से, यानी कि कंट्रोल स्टेन की तरफ अगर ज्यादा बन रहा है और टेस्ट की तरफ अगर कम बन रहा है, और अगर टेस्ट की तरफ आपका 2 mm भी है, टेस्ट की तरफ या 2 mm या 3 mm भी है, तो भी हम उसको इंटरमीडिएट में ले सकते हैं।
इंटरमीडिएट में ले सकते हैं। अगर जोन ऑफ इनिबिशन आपका इतना सा बन रहा है, मतलब कि वो क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि लेस देन अगर 2 mm है, लेस देन 2 mm अगर है तो उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस है। तो सेंसिटिव आपका कौन सा होगा, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए या फिर टेस्ट की तरफ ज्यादा होना चाहिए, इंटरमीडिएट दोनों के बीच में होगा, या फिर अगर इधर आपका 2 mm है या अगर दोनों के बीच में है और 3 mm है तो हम उसको इंटरमीडिएट कहेंगे, रेजिस्टेंस मतलब कि 2 mm से कम। एक बार और मैं आपको इंटरप्रिटेशन इसका बता देती हूँ। फाइनली देखो, सेंसिटिव कब कहेंगे कि जब जोन ऑफ टेस्ट बैक्टीरियम इज इक्वल टू और लार्जर देन दैट ऑफ कंट्रोल स्ट्रेन। इंटरमीडिएट कब कहेंगे कि द जोन ऑफ साइज ऑफ बैक्टीरियम शुड बी एटलीस्ट 2 mm तो होनी चाहिए, और अगर दोनों के बीच में है तो कितनी होनी चाहिए, 3 mm होनी चाहिए। रेजिस्टेंस द जोन साइज ऑफ टेस्ट बैक्टीरियम इज स्मॉलर देन 2 mm अगर है, यानी कि वो रेजिस्टेंस है, उस एंटीबायोटिक को हम नहीं दे सकते उस पेशेंट को, क्योंकि वो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा। समझ में? तो बस ये इजी प्रोसीजर होती है, इतनी इजी प्रोसीजर होती है। बहुत अच्छे से आज हमने समझा कौन से मेथड को, डिफ्यूजन मेथड को। डिफ्यूजन मेथड में 2 मेथड हमने देखी, कैरीबोर मेथड और एक हमने देखी स्टोक डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला बचा है, एक तो डाइल्यूशन मेथड और एक हमारा एब्सिलोमीटर टेस्ट, इन दोनों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।